जो शेयर करने वाली, वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हम सर्दियों में अपने बालों को 2 मिनटों में बालों को काला कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि सर्दियों में बाल धोना काफ़ी कम हो जाता है, जैसे हम वीकली में 5 डेज 6 डेज हम बालों को धो देते थे, बट क्या होता है कि सर्दियों में हम बालों को जो है जल्दी जल्दी धो नहीं सकते। तो इसके लिए हमें बालों को जितनी हम इसको धोएंगे तो बाल हमारे जो है कालापन आना जो होता है वो खत्म हो जाता है, वाइट बाल आने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने लिया है जटामासी पाउडर लिया है। जटामासी जो होता है हमारे बालों को जो है, नाम से ही आप देखेंगे इसके जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में है जटामासी, जो हमारे बालों को घनापन तो लाएगा साथ के साथ बालों को काला भी करेगा, बालों का जो है एक बहुत अच्छा सा हेयर की ग्रोथ दे देगा। ये कुछ इस टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा काला करता है या आंवला को अच्छे से जो है रोस्ट किया जाता है, उसी तरीके से ये जटामासी का पाउडर है। ये हमारे बालों की ग्रोथ तो अच्छा करेगा साथ के साथ हमारे बालों में जो अच्छी सी जो है कालापन ला देगा। यहाँ पर जो हम आधा से एक चम्मच ले लेंगे, हम अपने बालों की ग्रोथ के अकॉर्डिंग लेंगे। बाल अगर आपके ज़्यादा बड़े हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को 2 चम्मच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो एक चम्मच के करीब ले रही हूँ जटामासी पाउडर। तो देखिए एक बाउल ले लीजिएगा या लोहे की काली कढ़ाई ले लीजिएगा, तो आप उसमें जो है इसको इस पर ऐड कर सकते हैं। और याद रखिएगा पानी को इसमें जो है बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, बिना पानी के भी आप इसे ही बनाइएगा। तो देखिए मैंने ये ले लिया है और हम इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ मैंने जो व्हाइट कलर का जो एक कंटेनर लिया है, आप इसमें ही देखेंगे जब ये लिक्विड बनके तैयार हो जाएगा हमारे बालों के लिए तो कितना ज़्यादा कालापन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं जो ले रही हूँ तुलसी लीफ पाउडर, इससे क्या होगा कि सर्दियों में जब हम गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश करते हैं उससे क्या हमारे बालों को जो बहुत ज़्यादा जो है रूखापन आ जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, बहुत खुजली शुरू हो जाती है, वो सारी उससे आपको निजात मिलेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल प्योर है ये बिल्कुल, और आप इसे हर्बल टॉनिक के ले सकते हैं। और मैंने ये जो अमेज़ॉन से परचेज़ किया था वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते काफ़ी कम दामों में। ये आधे से भी काफ़ी थोड़ा चम्मच जो मैंने लिया है इसके अंदर हम इसके अंदर तुलसी पाउडर ले लेंगे। वैसे तो अगर आपके पास तुलसी घर पे बनी हुई है तो आप उसके पत्तों को भी क्रश करके डाल सकते हैं या उनको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप तुलसी का पानी भी आप ले सकते हैं अच्छे से बॉईल करके। तो देखिए इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हम इसके अंदर जो थर्ड इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वो ज़रूर देखिएगा। और हाँ याद रखिएगा कोई सा भी अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का तो वो ऐसा कीजिएगा कि जिससे कि आपके बालों को एक अच्छा सा ग्रोथ दे, बालों की जो टोनिंग को अच्छा कर दे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है लेमन पील पाउडर लेने वाली हूँ। लेमन पील पाउडर क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और इसमें बहुत सारी ऐसे भरपूर मात्रा में होती है। हम यहाँ पर नींबू और दही को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेमन पील पाउडर लेंगे, काफ़ी थोड़ी सी मात्रा में मेरे पास रह गया है। तो मैं यहाँ जो है आधा चम्मच के करीब जो है मैं यहाँ पर जो है लेमन पील पाउडर ले लूँगी, देख सकते हैं ये हमें इसके अंदर ऐड करना होगा। और इन सबको मिक्स करने के लिए हम जो इसके अंदर एक ऑयल लेने वाले हैं वो चमत्कारी एक ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों को कारगर साबित करेगा, लंबे समय तक काला बनाए रखेगा, बालों को सिल्की स्मूथ बना के रखेगा, शाइनिंग कर देगा, ना आपको जो ऊपर से हेयर स्पा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर जो एक ऑयल डालने वाली हूँ उसको ध्यान से देखिएगा क्या ऑयल है। वैसे इसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं ऐड करने वाली हूँ, और इन सबको अच्छे से ऐड करने के लिए क्या करना होगा, पानी का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ जो एक हेयर ऑयल लेने वाली हूँ वो है थंबा हेयर ऑयल, आप जो है नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बालों को बहुत ही अच्छा एक गुणकारी जो है ये ऑयल होता है जो हमारे बालों को एक बहुत ही अच्छा जो है रूखापन को ख़त्म कर देता है, बालों को स्मूथ कर देता है। बालों में जितने भी अगर हम लोगों की जैसे अगर कोई डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा रूसी हो चुकी है, खुजली हो चुकी है, हम इसे जो है ये याद रखिएगा पर इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप नेचर शेयर का थंबा हेयर ऑयल है, वंडरफुल हेयर ऑयल है, आप इसे देखेंगे ना आपको कोई ना डाई लगाने की जरूरत पड़ेगी ना कोई ऑयल लगाने की, बस आप इसकी ही बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे। और इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। ये काफ़ी अच्छा जो ऑयल है, और आपके जो है ये काफ़ी जैसे जंगली पौधे होते हैं उनका ये तेल बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है। मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है वंडर ऑयल को। ये थंबा जो है बहुत ही कारगर साबित होता है, और एक बार आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसके लाख गुना हमें जो है फ़ायदे मिलेंगे। हाँ अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह जो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के स्कैल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है, विटामिन ई इसके अंदर भरपूर मात्रा में होती है। और देखिए अब मैं इसके अंदर जो लास्ट चीज़ ऐड करने वाली थी वो है हल्दी, वाइल्ड टर्मेरिक। तो ये जो होती है हल्की सी हल्दी इसलिए ऐड करी जा रही है, और हाँ ये थोड़ा कम लीजिएगा क्योंकि बहुत
ज्यादा जो है कलर देती है। कलर मीन्स ये बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है, काफी ज्यादा गाढ़ी होती है, हल्का सा ये गीली गीली सी होती है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। और इसका रंग जो है इससे बहुत ज़्यादा फेयर भी हो जाता है अगर हम इसे स्किन पे लगाएं, बट हम अगर इसको किसी अपने हेयर के प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते हैं तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है, हमारे खुजलीपन को जो है ख़त्म कर देता है बालों की। हम इन सबको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच और ऑयल ऐड करेंगे, आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, थंबा हेयर ऑयल है, तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, ना मैंने इसके अंदर कोई आंवला पाउडर ऐड किया है, ना कोई मैंने पानी ऐड किया है, ना कोई इसके अंदर कोई और ऐड किया है, मतलब आप कोई सा भी जो है, कोई सा भी अगर जो आप तेल लगाते हो सरसों का, नारियल तेल का, कोई सा भी, आप सारे तेल को लगाना भूल जाएंगे, सिर्फ इस तेल के जो है फैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने वंडर हेयर ऑयल जो है बहुत ही चमत्कारी जो तेल है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 से 2 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा नहीं, और इसे अच्छा से एक पेस्ट बना लीजिएगा और आप इसे अपने बालों पे लगाइएगा। रिजल्ट आपको जो है बिल्कुल उसी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपने बालों पे बस 20 मिनट अपने बालों पे लगा के रखना है। बालों पे लगाने के बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिएगा, और देखिए ये जो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद देखिए 20 मिनट अपने बालों पे लगा के देन आप इसे जो हेयर वॉश कर सकते हैं शैम्पू कंडीशनर से, जो भी आप यूज़ करते हैं। हफ्ते में इसे 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर हाँ, जैसे अभी इस टाइम सर्दियां हैं तो आप लोग जो है इसे हफ्ते में 2 बार भी इसे लगाएंगे, जब भी अपने हेयर को वॉश करना है 20 मिनट के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। देखिए आपके बाल जो है बिना डाई के, बिना पार्लर के, बिना आपको कहीं कुछ कोई भी केमिकल लगाए बिना आपके बाल जो है नेचुरल काले होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें जो है सपोर्ट कीजिएगा, ऐसी अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इस तेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ इसे वहाँ जाके, अगर मुझे ये ऑयल के लिंक नहीं मिल